दिल्ली पुलिस ने 500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी घोटाले में यूट्यूबर एल्विश यादव, कॉमेडियन भारती सिंह और 3 अन्य को समन भेजा है। पुलिस को 500 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने अपने पेजों पर हाई बॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन का प्रचार किया और लोगों को ऐप के जरिए निवेश करने के लिए लुभाया। ये आई ओपनिंग होना चाहिए उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे जाने ब्रांड एंडोर्स करने लगते हैं, ये सोचे बिना कि उनके इस एंडोर्समेंट से किसी की कमाई जा सकती है। यहां तक कि कई मामलों में तो हमने देखा है कि उनकी जान पर भी बन आई है। पुलिस ने बताया कि घोटाले के मुख्य आरोपी चेन्नई निवासी शिवराम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक हाईबॉक्स एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो एक सुनियोजित घोटाले का हिस्सा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रोजाना 1-5% का गारंटीड रिटर्न का वादा किया था। अगर आपको भी इस तरह के कोई मोटे लुभावने वादे आते हैं तो आप भी सतर्क होइए। और आगे सुनिए, 1-5% की गारंटीड रिटर्न का वादा जो 1 महीने में 30-90% के बराबर है, समझ लीजिए आप, तो झांसे में लोग फंस जाते थे। और अब पुलिस ने इस पूरी स्कीम को एंडोर्स करने वाले सेलिब्रिटीज पर कसा है शिकंजा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। थोड़ा और इसकी डिटेल लेते हैं मेरे संवाददाता नीरज गौड से। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इफ्सो यूनिट ने एक ऐसी एप्लीकेशन का भंडाफोड़ किया है जहां एप्लीकेशन में लोगों से निवेश करवाया जा रहा था, ज्यादा रिटर्न का उनको लालच दिया जा रहा था, लेकिन जो रिटर्न है वो उनको नहीं मिल रहा था। और इसी के साथ करीब 30,000 लोगों से इसमें चिटिंग की गई है। जब इस मामले में स्पेशल सेल की इफ्सो यूनिट को शिकायत मिली, उन्होंने अपने लेवल पर जांच करना शुरू किया, तो उसमें एक आरोपी है जय शिवराम को गिरफ्तार किया। डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि जय शिवराम जो है वही इस एप्लीकेशन हाई बॉक्स का मास्टरमाइंड है, जो अब तक करीब 30,000 लोगों से चिटिंग कर चुका है। इस एप्लीकेशन में लोगों से ये कहा जाता था कि आपको जितना आप निवेश करेंगे उसके बाद में करीब 1-5% का आपको रिटर्न दिया जाएगा, लेकिन वो रिटर्न जो था लोगों को नहीं मिल रहा था। वहीं इसी के साथ इस पूरे मामले की जांच जब स्पेशल सेल ने शुरू की तो पता चला कि एक बड़ा नेक्सस है जिसको कि चलाया जा रहा है। और इसी के साथ जो आरोपी है शिवराम, उसका जब अकाउंट पुलिस ने देखा तो पता चला कि 4 अकाउंट जो है उसमें करीब 18 करोड़ रुपए हैं जिनको पुलिस ने बैंक खातों को सीज किया है। वहीं इसी के साथ इस पूरे मामले में जो है जो कि एप्लीकेशन को प्रमोट करने वाले जो कि यूट्यूबर हैं, जिसमें कि एल्विश यादव है, पूर्वा झा है और इसके अलावा और भी अन्य लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस का कहना है कि उन सभी लोगों को नोटिस दिया गया है उनसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि इन पर ये आरोप है कि ये लोग जो हैं लोगों को उकसा रहे थे इस एप्लीकेशन में निवेश करने के लिए। तो वहीं इसी के साथ इस पूरी एप्लीकेशन में जय शिवराम के अलावा अगर इसमें और भी लोग शामिल हैं तो उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। वहीं इसी के साथ जो कि यूट्यूबर हैं जो कि इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे थे, जब इनसे पूछताछ करेगी तो पता चलेगा कि आखिरकार ये लोग जो हैं शिवराम से कितना पैसा ले रहे थे और किस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा था।